अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट संगत मैं हमारे मेज़बान संगत मुल्क जब नामवर सीनियर साफ़ी जनाब सोहेल सांगी साहब जेके वो असांके स्टूडियो सां में असां सां गॾु जॾहिं त टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु आहिनि शाहीन कुरैशी साहब। ऐं अॼोके प्रोग्राम जो जेको डिस्कशन थींदी उहो डिस्कशन जो मौज़ू आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो अदालती क़त्ल जंहिंखे चयो वञे थो उन हवाले सां जेको रेफरेंस 2 अप्रैल 2011 ते पंहिंजो उन वक़्तु सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब पारां सुप्रीम कोर्ट खे मोकिलियो वियो हुयो त उन केस जे बारे में जेका रिव्यू कयो वञे उन केस खे ऐं नज़रसानी कई वञे उहा आइन जे आर्टिकल 186 तहत इहो रेफरेंस दाख़िलु कयो वियो हुयो। ऐं उन खां पोइ उन वक़्तु जेका आहे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहिबु चीफ जस्टिस हुयो उन्हनि जेको आहे हिकिड़ी पंहिंजो 11 रुकनी बैंच जोड़ी हुई ऐं उन बैंच जेके आहिनि 6 खनि ॿुधणियूं बि कयूं हुयूं उन केस जूं, पर उन केस ते वरी पोइ उहो उते बंदि थी वियो। उन खां पोइ न को ॿुधणियूं थियूं न को फ़ैसिला आया। इहो 11-12 जे 2 सालनि जे अंदरि इन इहे 6 ॿुधणियूं थियूं। उन खां पोइ तकरीबन 11 साल जेको आहे इन केस जे हवाले सां कंहिं बि चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे उन रेफरेंस ते का बि पेशरफ़्त न कई। हाणे जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहिबु जॾहिं पाकिस्तान जा चीफ जस्टिस थिया आहिनि त उन हिकु दफ़ो ॿीहर हिकु 9 रुकनी बैंच जोड़ी आहे। उन 9 रुकनी बैंच जेका आहे उन फ़ैसिला जेको 12 तारीख़ ते उहा ॿुधणी करे पई इन रेफरेंस जी। इहो मसलो छा आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ज़ाहिर पाकिस्तान जो पहिरियों चूंडियल वज़ीर आज़म बि हुयो, साॻे वक़्तु 73 जे आइन जो ख़ालिक बि हुयो। उन माण्हू खे हिकिड़े क़त्ल जे केस जो इल्ज़ाम मड़ियो वियो हुयो। उहो क़त्ल जो केस बि बारे में बि तव्हांखे थोरी ॿुधाईंदा हलूं त इहो आहे 1974 जी ॻाल्हि आहे। उन वक़्तु हिकिड़ो पंहिंजो अपोज़िशन जो अॻवान जेको हींअर आहे वकील आहे सुप्रीम कोर्ट जो अहमद रज़ा कसूरी साहबु, उहो उन वक़्तु MNA हुयो। उन उहो पंहिंजे पीउ सां गॾु लाहौर जे इलाइक़े शादबान मां पंहिंजो का शादी अटेंड करे आयो पए पंहिंजी कार ते। उनजी कार जे मथां फायरिंग थी, जंहिंमें उनजो पीउ नवाब मोहम्मद अहमद कसूरी साहबु जेको आहे उहो ज़ख़्मी थिया हुया, जंहिंखे हू गुलबर्ग में हिकिड़ी पंहिंजो हॉस्पिटल में खणी वियो। पर उहो जेको आहे उनजो वालिद साहबु जेको आहे उन वक़्तु उन दम धणी हवाले कयो राति जो ई। ऐं उनखां पोइ उनजी FIR दाख़िलु थी, FIR दाख़िलु थी ऐं उनखां पोइ छा थियो उहो जेके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। ऐं असां सां ॿई जेके आहिनि सीनियर साफ़ी मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि खां पुछूं था त इहो मामिलो कीअं हलियो। ऐं पोइ उहो जेको आख़िरी फ़ैसिलो आयो जस्टिस नसीम हसन शाह साहबु जेको आहे, जॾहिं पाकिस्तान जे अंदरि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई त उन केतिरनि जॻहियुनि ते इन ॻाल्हि जो इतराफ़ु कयो त उन वक़्तु जेका कोर्टूं हुयूं उहे अंडर प्रेशर हुयूं ऐं कोर्टुनि जे मथां प्रेशर हुयो त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो ॾिनो वञे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेका कैपिटल पनिशमेंट हूंदी आहे, यानी जंहिंखे चयो वञे थो त सज़ाए मौत जंहिंखे चइजो थो, उहा तॾहिं ॾिबी आहे जॾहिं को इतफ़ाक़ राय हुजे कंहिं बैंच जे विच में। पर उहो जेको डिवाइडेड डिसीशन हुयो 2-3 जे हवाले सां या 3-4 जे हवाले सां डिवाइडेड हुयो, सिर्फ़ु हिकिड़े वोट जी अक्सरियत सां उहो फ़ैसिलो थियो त भुट्टो साहब खे जेको आहे उनमें पंहिंजो ॾोही करार ॾिनो वियो। ऐं उनजे लाइ जेको उन वक़्त जा अहलकार हुया जेके असांजी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी जा, उन्हनि खे अप्रूवर तौरु यानी उन्हनि जेको आहे पंहिंजो वादा माफ़ गवाह थी करे भुट्टो साहब जे ख़िलाफ़ु जेका आहे उन्हनि खां शाहिदी ॾियारे उहो कयो वियो। पर तंहिं हूंदे बि सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि इहो डिवाइड हुई, उन जे बावजूद बि कैपिटल पनिशमेंट ॾिनी वई। गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था पंहिंजो सांगी साहब, ज़ाहिरा तव्हां शायदि असां खां वधीक उन ॻाल्हि खे ॾिठो हूंदो पंहिंजो उन वक़्तु उन हालतुनि खे। अॼु ज़ाहिर आहे हेतिरा साल थी विया आहिनि असांजी नौजवान नसल खे शायदि उन्हनि वाक्यनि जी ऐं उन तसलसल जी उहा का ख़बर न हुजे, तंहिं करे असां चाहियूं था त हीअ जॾहिं सुप्रीम कोर्ट इन खे रेफरेंस खे ॿुधण जो फ़ैसिलो कयो आहे त असां बि पंहिंजी नौजवान नसल खे आगाह कयूं त इहो मामिलो हुयो छा ऐं कीअं वधियो ऐं पोइ उन में छा थियो। इहो वाक्य खे त मतिलबु भुट्टे साहब खे जेका फांसी ॾिनी वई उन वक़्तु उहा 78 में थी, त ख़ुदि इन वाक्य खे 79 में थी त 44 साल थी विया आहिनि। 44 साल माने हिकिड़ियूं
जैसे चाहिए ब जनरेशन से बराबर वो सजो आए तो एडो पुरानो वाक्य आए पर इन में असल गाल इन जो ब टे पासा एकड़ो तो यो तो जी हेठा कोर्ट में केस हल्दों सेशन कोर्ट में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वो तो उन बदला इनके ट्रायल कोर्ट जी कई वही वो भी हाई कोर्ट में अची वही मौलवी मुश्ताक जो सजो वो थो वो खुद जजन की जी सिलेक्शन हुई तो कड़े कोर्ट में हल उतं खा ही सजी गड़बड़ थे थी इन जहा केस बड़ा इंपॉर्टेंट पासा एकड़ो हो तो जो कानून आ बो हो तो कड़े तरीके से हलया वो टो हो तो पॉलिटिकल मतलब उनको वो हो केस हलण जो असल मकसद हो वो कत्ल ये जो कानूनी पहुंची उ न बल्कि मकसद सियासी हो कड़े नमूने से उनके सजा दिनी वे वो सजो जो उनके मैनेज कर वो बल्कि मु तो किथे पढ़ो हो तो उते कें पे तो एकड़े जज ते कम वो बिल्कुल अड़े नमूने से जड़े नमूने से सज्जाद अली शाह के खिलाफ जैसे मूव थी हुई नवाज शरीफ कई हुई कोर्ट से जो अटैक थो उन जमाने में जी एकड़े जज ते कम वो ती इते एकड़े जज ते कम वो उन में इन गाल के पूरी कोशिश कई वही तो भई जो पछाड़ी में सुप्रीम कोर्ट में केस वे पो ओी मेल वो जो थे सो अड़ा ही जज अचन जे लाजमी तौर से उनके या जो मौत की सजा यहाँ बुधाइन तो यो एकड़ो थो केस हलो उन कानूनी पैसन से इलाही शन मिसाल के तौर से यो आ जो सुल्तानी शाह जैके अप्रूवर या चूं था पा उन में मतलब बो कोई एविडेंस ना है तो उन बुनियाद से अज दी ताई पाकिस्तान में का भी सजा कंके आई को बी गाल उन में उन जमाने में इलाही सारा जूरिस्ट वकील इतने पाकिस्तान भी आया सज केस के स्टडी क्यों दुनिया सज तो उन्होंने भी यो ही हो तो भाई इन सजा दई नी सके ही तारीख जो अड़ो बदतरीन फैसलो हो जो अना ती मतलब विच में सजे इन गुजर 40-45 साल के अरसे में एक कोर्ट में पेश कबान जो पी एल डी में कोर्ट कबान तो भाई रेफरेंस केस जो हाँ तो वो उन्हें जे तौर से कदें भी उनके हवाले के तौर से न आयो मतलब वो अड़ो खराब तरीके से हलो वो अड़े खराब कुरैशी साहब का पूछता कुरैशी साहब आपका कहना चाहेंगे क्योंकि आज बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को से ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर ये जो दाग लगा है ये चीफ जस्टिस साहब अपने हाथों से वो दाग धोएंगे तो पाकिस्तान की अदालती तारीख वैसे कोई अच्छी नहीं है लेकिन ये एक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है वो एक बहुत ही एक नुमाया स्याह धब्बे की तौर पर देखा जाता है जी मैं फयाज साहब एक चाहता हूँ कि दो मिनट हम अपने नौजवानों को तारीखी पस मंजर बता दें मुख्तसर दो मिनट में कि जब 5 जुलाई 1977 को जिसे आज भी हम जो सियाह के तौर पर मनाते हैं जब जो है पीएनए और ये मजहबी जमातों के जो है जरिए फौजी जनता ने जनरल जियाउलहक के दौर में पहली मुंतखब हुकूमत जो शहीद भुट्टो की अवामी हुकूमत थी उसका तख्ता पलट कर 5 जुलाई को जो सारा मार्शल ला नाफिज किया और आइन को मुअत्तल किया उसके बाद जो है ये सोचा गया कि उन्हें रास्ते से हटाया जाए और अब जबकि 100 साल की उम्र में हेनरी किसिंजर इंतकाल करती है कि हुआ है उसका तो वो लोग हैं जिन्होंने भुट्टो साहब को धमकियां दी थी कि हम आपकी एक हॉरिबल जो है मिसाल कायम कर देंगे लेकिन भुट्टो साहब ने अवाम के साथ अपनी कमिटमेंट को कायम रखा बहुत दुश्वारियां रहीं बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश रहे उन्हें राजा बाजार में जाकर अमरीकन जो है वो खत दिखाने पड़े कि दीज ब्लड हाउंड्स आर थर्स्टी ऑफ माई ब्लड और कौमी असम्बली को वो इज्जत देते थे अवाम में जाते थे बता दिया था कि साजिशें हो रही हैं मैं गवाह हूं कि लाहौर की जिस नीला गुम्बद की मस्जिद से ये 9 सितारे पीएनए के निकले थे वहां पर किस तरह डॉलरों की तकसीम हो रही थी और किस तरह जो है अनारकली बाजार में क्या कुछ हो रहा था मैं बहुत मुतहर्रिक नौजवान था लेकिन उस दौरान मैं बताता हूँ कि भुट्टो साहब का किस तरह से पता चले लोगों को कि 16 मई 1978 की रात को एक कर्नल रफी हैं जिनको एक जेल पे जमियाल एयरबेस पे कहा जाता है कि सोफा सेट वसूल कर लें
तो वो इशारा भुट्टो साहब का था। 6 फरवरी 79 को सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी भुट्टो साहब की। 24 मार्च को नजरसानी की पिटीशन भी मुस्तरद कर दी गई। उस सारी गिरती हुई सेहत के साथ साथ 3 अप्रैल की सुबह को अचानक भुट्टो साहब बेदार होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है, और जेल की टेलीफोन लाइनें सुबह ही सुबह काट कर एक वायरलेस सेट पर जो है फौज के जराए से जेल सुपरिटेंडेंट ने ब्लैक हॉर्स का कोड वर्ड बताना था, जिसके बाद जो है भुट्टो साहब को उनके अवाम से अलग करके उनकी जिंदगी छीनने का जियाउल हक का आमिराना फैसला जो है वो उस पर अमल दरामद करना था, जिससे पहले पूरी एक साइकोलॉजिकल वारफेयर की गई, पाकिस्तान की सबसे तारीख में सबसे बड़ी लॉजिस्टिक मूवमेंट की गई, जिसका मैं गवाह हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से वो रिकॉर्ड भी रखा था कि किस तरह 6-6 माह की तनख्वाहें जो हैं पूरे पंजाब में फैला दी गई, किस तरह जो है अजना अशियाए खुर्दोनोश के जखीरे लगा दिए गए। ये पूरी मंसूबा बंदी हो रही थी, लेकिन नफ्सियाती जंग के अंदर ये नहीं पता चल रहा था, ये का तासुर दिया जाता था कि भुट्टो साहब को ये जुर्रत नहीं करेंगे लेकिन शाह के उनको फांसी की सजा दे दें। तो बहरहाल 3 अप्रैल को जब उनको सुबह ही सुबह सियाला रेस्ट हाउस में बेगम नुसरत भुट्टो और बेनजीर शहीद को इतला दी जाती है कि आज आपकी मुलाकात होगी, तो 11:15 पर 11:15 जो है बेगम भुट्टो और बीबी शहीद को लेकर गाड़ी जेल में दाखिल होती है, और वहां पर एसपी यार मोहम्मद से बेगम भुट्टो पूछती हैं कि मुलाकात किस सिलसिले में है, तो वो जवाब देते हैं कि मैडम ये आपकी आखिरी मुलाकात है। तो 11:30 पे मुलाकात शुरू होती है और जो है बेगम भुट्टो सलाखों के पार 12 फुट बाई 7 फुट की कोठड़ी के बाहर एक लोहे की कुर्सी पर बैठी हैं और उनकी आंखों से आंसू रवा हैं, और बीबी शहीद जो हैं वो अपने वालिद शहीद भुट्टो को गले लगाने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो किसी किस्म की इजाजत। रशीद साहब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके इस मामले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेके मुल्क जा पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म हुआ, उन सां उन वक्त जे आमिर जनरल ज़ियाउल हक जे चवण ते असांजे कोर्टुनि पंजाब जे लाहौर हाई कोर्ट हुजे या असांजी उन वक़्त जी सुप्रीम कोर्ट हुजे, उन्हनि कीअं इहे फ़ैसिला कया, ऐं ख़ुदि पाकिस्तान जे अंदरि असांजी अदालतुनि जो जेको रोल रहे थो ऐं इन्हनि मामलनि में असांजे इदारनि जो जेको पंहिंजो असरु सूख हले थो पियो। अॼु बि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हुन ते गुफ़्तगू कई आहे पंहिंजे के पी के जे अंदरि जेको हुनजो अॼु वर्कर कन्वेंशन हुयो, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं वक़्फ़े खां पोइ असां सां गॾु अचो। वेलकम बैक नाज़रीन, नशरत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे पाकिस्तान जे पहिरें चूंडियल वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जे जेका आहे जुडिशल मर्डर जे हवाले सां रेफरेंस जेको सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब 2 अप्रैल 2011 ते जेको आहे सुप्रीम कोर्ट खे जेको रेफरेंस मोकिलियो हुयो आइन जे आर्टिकल 186 तहत, उन रेफरेंस जी ॿुधणी जेका आहे उहा अंगारे ते 12 तारीख़ ते रखियलु आहे। उन हवाले सां असांजी वक़्फ़े खां पहिरें गुफ़्तगू हलंदड़ हुई, उहे वाक़िया जेके आहिनि तारीख़ जा जंहिं दौर में इहे फ़ैसिला थिया, पर हाणे उन्हनि वाक़नि ते ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे जे कुरेश साहब उन आख़िरी ॾींहं जो ज़िक्र कयो, उहो आख़िरी ॾींहुं कीअं हुयो उहो असां तव्हांखे ॿुधायूं था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जी ज़बानी। अचो ॿुधो। मुझे याद है वो दिन जब हम आखिरी मुलाकात के लिए गए थे, जब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसके अंदर ये मेक्सिको में इंकलाब आया था, और जब मेक्सिको में इंकलाब आया था तो वहां एक रेवोल्यूशनरी लीडर था जिसका नाम था पांचो विया। तो वो किताब में लिखा था कि जब पांचो विया ने को गिरफ्तार किया और मानने वाले थे तो उन्होंने पूछा पांचो विया से कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और उन्होंने कहा कि सिगार पीने का, और वो कह रहे थे कि वो फिक्रमंद नहीं थे, जब सिगार पी रहे थे तो सिगार का जो ऐश था वो गिरा नहीं। और उस दिन जब हम आखिरी मुलाकात के लिए गए थे
तो भुट्टो साहब के पास कुछ राइटिंग पैड्स वगैरह थे, उनने उठा करके हमें दे दिए। एक सिगार का बॉक्स था तो उन्होंने दो सिगार निकाले, बाकी हमें दे दिए। उनके पास एक दो रुमाल थे, उन्होंने कहा मुझे अभी ये चीजों की जरूरत नहीं होगी। सब चीज निकाल करके सब चीज किया, वहां एक गधा था जमीन पर और कुछ था ही नहीं, मगर सिगार का जो डब्बा था और उनका जो राइटिंग पैड कलम वगैरह वो हमें देने लगे और कहा कि ये आप ले जाएं, मैं नहीं चाहता कि मुझे मारने के बाद ये लोग मेरी चीजों को हाथ लगाएं। उन्होंने कहा मैं दो सिगार रखता हूँ, एक अभी आप लोगों के साथ पीता हूँ और एक रात को। तो जब वो पी रहे थे तो मुझे वो कहानी याद आई, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे पी रहे थे इतने सुकून में थे कि वो ऐश नहीं गिर रहा था। आई वाज फैसिनेटेड, मेरे आंख उस ऐश से हिल नहीं रहे थे कि ये इनको बताया गया है कि आज रात इनकी जिंदगी ली जाएगी और इसके बावजूद ये इतने सुकून के साथ बैठ रहे हैं, इनके हाथ नहीं कांप रहे, उनके हाथ में कोई एक थोड़ा सा भी ऐसे नहीं हुआ कि वो ऐश जमीन पर गिर जाए। और वो कहते थे कोई बात नहीं, मुझे कत्ल कर लेंगे मगर मेरा नाम लोगों के दिलों में जिंदा। जी नाज़रीन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पंहिंजे वालिद शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां आख़िरी मुलाक़ात जो जेको ज़िक्र कयो, गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। सांगी साहब, साईं ॾाढो टचिंग मंज़र जीअं मोहतरमा बयानु कयो। इन में ॾिसो न, हिकिड़ी शइ आहे त भुट्टे साहिब खे जेका सज़ा ॾिनी वई, फांसी ॾिनी वई, उहो इन जे करे न हुनखे क़त्लु कयो। उहो इन जे करे जो ज़ियालक मतिलबु हिते जूं पाकिस्तान जूं अंदरूनी जेके बि कुवतूं उहे ऐं ॿाहिरियूं, जीअं कुरेशी साहिबु ॿुधाए पए, उन्हनि सभिनी पाकिस्तान खे हिकिड़े ॿिए दग ते लॻाइणु पिए चाहियो। त उहो सियासी क़त्लु हुयो ऐं सॼो सियासी केस हुयो। पाण वटि मुल्क में मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जे केतिरनि माण्हुनि खे से के भई इहो हुयो त वाकई फाही जी सज़ा आई आहे ऐं जंहिंजे लाइ सभु जेके आहिनि कानूनदान बचनि था। असुल में इहो सॼो केस सियासी हुयो। मसइलो इहो हो त ज़ियालक पाकिस्तान खे बिल्कुलु ॿिए नमूने वठणु पिए चाहियो, जेको असां पोइ ॾिठो अफ़गानिस्तान में जेको मामिलो थियणु वियो, उन खां पोइ सॼो मुल्क कहिड़े उन खां दग ते लॻो जो वरी बि कॾहिं पटड़ी ते चढ़ी न सघियो। हुनजी सियासत, हुनजी मईशत, हुनजो जेको कल्चर, हुनजो जेको लॉ एंड ऑर्डर जी सिचुएशन उहा सॼी, त असुल में इहो सॼो मुल्क खे होॾां हटाइणो हुयो। त बेसिकली इहो सिर्फ़ु अदालती क़त्लु न बल्कि सियासी क़त्ल बि हुयो। त उन में जेको सियासी पासो आहे उहो वधीक अहम आहे। उन जे करे ई मतिलबु त अॼु बि माण्हू इहो सम्झनि था त इहो जेको सॼो मुल्क जा माण्हू सम्झनि था ऐं इवन जेके सियासी मुखालिफ़ आहिनि उहे बि, त भई इहो जुडिशल मर्डर हुयो। अच्छा कुरेश साहब, आप क्या समझते हैं कि अब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आईन के आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस तो भेजा, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्योंकि आज बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तफसीली बात की है और उसने कहा है कि वो सिर्फ एक ज़ियाउलहक का मसला नहीं था, उसमें सहूलतकार जो भी थे उन सब के ऊपर उनका उनको अपना कटड़े में लाना चाहिए, उनके इंसाफ की तकाजा ये है। तो आपके ख्याल में आज जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, हालांकि उसको 40 साल तो गुजर चुके हैं, जिस तरह अपना सांगी साहब ने 44 साल बल्कि, तो आपके ख्याल में अभी तक उसके सहूलतकार अभी तक जिंदा हैं क्या? जी, भुट्टो शहीद के जो है सहूलतकार, बिलखसूस सियासी सहूलतकार भी, फौजी सहूलतकार भी जिंदा हैं, कुछ हैं। और जो आजकल बड़े बड़े लीडर हैं वो भुट्टो की शहीद के खिलाफ तहरीक चलाने में टूल बने, और जो पीएनए की तहरीक जो बिल्कुल झूठ पर मबनी थी, धांधली होगी कोई एक हलके में होगी, कुछ होगी, कोई ऐसा मामला नहीं था, लेकिन यह कि उसको खड़ा किया गया, उसमें मैं खुद विटनेस हूँ डॉलर का। लेकिन मैं एक बात करते हुए इस एंगल सर, पीएनए के बारे में हमारे नौजवानों को बताइए कि पीएनए क्या है। आप तो समझते हैं कि पीएनए क्या है, बताना चाह मैं उधर आना चाहता हूँ। हाँ।
तो सूरत हाल ये और पीएनए के लीडिंग फिगर्स कौन थे उस वक्त, जो नौ सितारे जिसको आप जिक्र कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं एक जुमले के साथ इसे को रिलेट करूंगा कि मैंने जिस तरह बीबी शहीद का वो सिगार का सुना, तो लेकिन जब सुबह ही सुबह भुट्टो साहब को उठाया गया तो उनके हाथ पर घड़ी थी जो उन्होंने संतरी को दे दी थी कि भाई ये जो बाहर खड़ा हुआ था उसे संतरी को दी थी। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास सिंध की एक बेटी जो है नसरीन अंजुम भट्टी, लाहौर में होती थी रेडियो पाकिस्तान पे, उन्होंने लिखा मैं मिर्जा सागर सिंधा मेरी रावल जन चढ़ी। तो रावल पिंडी में सिंध के सागर मिर्जे को जो है वहां फांसी जो दी गई उसके अंदर वहां की ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट बल्कि वहां की जुडिशरी, वहां का मुफाद परस्त टोला और सियासी जमातें थी। मैं बताना चाहूंगा कि जमात इस्लामी पेशकेश थी, आज बड़ी बातें करते हैं सिराज साहब, मियां तुफैल मोहम्मद जो हैं वो जिनकी जमानत जब्त हुई थी हल्का नंबर चार लाहौर में शेख रशीद के मुकाबले में, ये लोग जो हैं उसके ये भी बता दें कि शेख रशीद वो ये वाले नहीं थे, शेख रशीद पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन थे, वो एक इंकलाबी कांग्रेस थे, वो एक सोशलिस्ट नजरिए के आदमी थे जो इसके जो है मैनिफेस्टो और मंशूर। चले एक जमात इस्लामी के मियां तुफैल साहब थे, दूसरे पीएनए की मूवमेंट के बड़े किरदार थे, पीर पगाड़ो थे और असगर खान थे जो कहते थे भट्टो शहीद को कि मैं आपको हाला के पुल पे फांसी दूंगा। इसके अंदर उस वक्त मौलाना शाहबंद नूरानी थे, इसके अंदर जो है मुफ्ती महमूद साहब थे। तो इसीलिए भट्टो साहब ने जब सुबह ही सुबह उन्हें उठा दिया गया, मुझे लगता मुफ्ती महमूद साहब फजल रहमान साहब के वालिद साहब जो है आप उनकी जिक्र कर रहे हैं, साहब के वालिद थे मुफ्ती महमूद जो हैं, ये भी पीएनए के थे, वली खान भी थे पीएनए में। और तो जी, तो कहने का मकसद ये है कि मैं एक बात कहूंगा कि भट्टो साहब ने जब सुबह उन्हें उठाया गया उन्होंने कहा कि मैं शेव करना चाहता हूं, मैं इस दाढ़ी के साथ नहीं जाना चाहता, तो भट्टो साहब का ये रिकॉर्ड है। हम चाहते हैं कि इसको ना थोड़ा उस वक्त के हालात से लोगों को आगाह करें। आपने जिस तरह कहा कि पीएनए की मूवमेंट जो थी, ये पीएनए की मूवमेंट बकौल आपके कि आपने डॉलर बंटते देखे? जी, मैं वो दुकानों का नाम ले आज तक याद है मुझे, नीला गुंबद की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के सामने वो जो जामे मस्जिद का गेट है जहाँ ये गलों में कुरान, इनमें हौसला नहीं था, ये गलों में पूरा। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? जी जी सर, जी जी, गलों में कुरान डालकर जब आए हैं तो वहां पर जिस तरह ये जनरल शुएब की बात होती है, इन्होंने उससे पहले ही वहां पर बीडन रोड लाहौर पे भी कर्फ्यू लगवाया और ये मार्शाल्लाह की तैयारियों में मसरूफ थे। जनरल शुएब कौन से, ये जो आजकल तजी निगार बने हुए हैं? जी जनरल शोएब जो आजकल तजिया निगार बने हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं? तजिया निगार हैं, इन्होंने उस वक्त ये ब्रिगेडियर थे, बीडन रोड लाहौर पर कर्फ्यू लगाया और फिर मैं जिस का आई विटनेस हूँ, नीले गुंबद में जुमे की मस्जिद जो है नमाज जो है वो सड़क के ऊपर भी सफे बिछा के की जाती थी, तो वहां पर स्टाल दिलाया जो वहां पर तैनात फौजी थे, वहां एक रेड पट्टी भी छा दी गई और उसके बाद उन्हें उकसाया गया जब उन्होंने जीए भट्टो के नारे लगाए गए तो उनको डायरेक्ट फायर किए गए। उसके अंदर बाड़ी संत का एक बच्चा, एक नौजवान जो हाफिज था मुईन, चले कुरेश साहब आप चलते हैं सोहेल सांगी साहब की तरफ। मैं जरा सियासी अगर मुझे इजाजत दे जी सर, ये कहूंगा कि पीएनए की जो तहरीक थी वो सीआईए स्पॉन्सर्ड इसलिए थी जिसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज के जर्नैल शामिल थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस चीज के ऊपर अमल दरामद करने में भी अमेरिकन जो है रहनुमाई और उसकी जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। और मैं ये समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो पैनल बैठ रहा है वो देखे कि जिन लोगों ने बाद अजां आईजीआई बनाई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पड़े हुए हैं केसेस के किस तरह पैसे लिए गए, किस तरह फिर जो है सही है कि वो जो अपना पीएनए से आईजीआई तक और आज तक का सिलसिला सोहेल संघ साहब जी पैंजो बुधायन था कुरेश साहब ज़ारा तहां भी उनजा वो आयो जस्टिस नसीम हसन शाह रिकॉर्ड से चई चुको आ तो वो जो उन वक्त जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन जो हुई
उन्हनि जो प्रेशर हुयो उन्हनि जजनि जे मथां, ऐं ज़ाहिरु उन वक़्तु जनरल ज़ियाउल हक़ हो, ऐं जज जे बारे में चयो वञे थो त उनखे ॿुधायो वियो त बाबा हिकिड़ी क़बर आहे, ॿ माण्हू आहिनि, ठीकु आहे न, या हू वञे या हू वञे, त जंहिंखे माना ॿियो सभु जेका आहे CIA पंहिंजो इंटरनेशनल कंस्पायरेसी हेनरी किसिंजर उहे सभु ॻाल्हियूं, ऐं पर साॻे वक़्तु हिकिड़ो माण्हू खे पर्सनल फियर बि हुयो। हाणे छा पाकिस्तान जे गिवन सर्कमस्टेंसिस जे अंदरि जस्टिस काज़ी फाज़ी साल इहो मुमकिन थी सघंदो त इन केस में उन तरह जो इंसाफ़ करे सघे? ॾिसो, तव्हांखे यादि हूंदो त परवेज़ मुशरफ़ खे बि कीअं असांजे उन वक़्तु जेको इदारनि इस्पताल वञी दाख़िल कयो। ॻाल्हि इहा आहे त हीअ त तव्हांखे हिकिड़ो ग़लति तारीख़ जो फ़ैसिलो थी वियो न, अदालत जो हिकिड़ो ग़लति फ़ैसिलो थी वियो, त हाणे तव्हांखे जेकॾहिं तारीख़ ऐं वक़्तु ऐं हालतुनि इजाज़त ॾिनी आहे त उनखे तव्हां ग़लती खे दुरुस्त करण में त को हर्ज कोन्हे न। भई तव्हां वटि हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट आई, तव्हां उन ते बि अमल कोन कयो, उन जे नतीजे में असां जेको बि लोड़ियूं पिया पंहिंजे साम्हूं आहे, त हीअ बि हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो तव्हां ॾिसो न। उन खां पोइ पोलिटिकल आउं त चवां पोलिटिकल सॼो इहो हुयो त भुट्टे साहिब खे उन खां हटाइणो, उन खां पोइ छाकाणि जो ज़ाल केतिरा क़दम खणी चुको, तंहिंजे करे ज़ाती थी वियो, पर बेसिकली पोलिटिकल हुयो। त पोलिटिकली अॼु बि मतिलबु त पीपुल्स पार्टी भुट्टे जो नालो उहो सॼो आहे, ज़िंदा आहे, ऐं माण्हू अञा ताईं बि उन नाले ते वोट ॾियण लाइ वञनि था। ॻाल्हि यादि रखंदमि, माण्हुनि खां विसरियो कोन्हे, त विसरियो कोन्हे त उन मतिलबु इहो थियो त भई तव्हां जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो माण्हुनि जे हिन एस्पायरेशन ते उन ते तव्हां जेकर वेंदो उन में कहिड़ी ग़लति ॻाल्हि आहे। बाक़ी ॾिसो न, हीअ जेकॾहिं 186 जी ज्यूरिसडिक्शन आहे न आहे, भई उन में आहे बि सही न बि आहे, इहो त भई क़ानून जेको ठहंदो आहे उहो माण्हुनि जे लाइ कोन ठहंदो आहे, माना क़ानून जेको आहे माण्हू जेके क़ानून जे लाइ न आहिनि, बल्कि क़ानून इन लाइ ठहंदो आहे त जीअं माण्हुनि खे सहूलियत थिए। उन में अञा त मतिलबु सुप्रीम कोर्ट में जेसि ताईं मूंखे ज़हन में अचे थो त हुनखे इहो आहे ज्यूरिसडिक्शन हासिलु आहे त हू इन ते सोमोटो वठी सघे थी, ऐं हेॾो सॼो जॾहिं अवाम में माण्हुनि में बेचैनी मौजूदु आहे, हिकिड़ो सुवाल बीठो आहे, सियासी धुरनि में सुवाल बीठो आहे, उनजे मुखालफ़नि में बि सुवाल बीठो आहे, त इहो हिकिड़ो तय त थियणु खपे न भई आख़िर छा थियो, कीअं थियो, कहिड़ा माण्हू मुलविस हुआ, एॾो सॼो जेको आहे मुल्क सां नाइक थियो, मुल्क जो सॼो सिस्टम डिरेल थी वियो, त इन ते त मतिलबु आउं सम्झां थो त हिकिड़ो सुठो मौक़ो आहे जंहिं ते अदालत पंहिंजो फ़ैसिलो ॾेई इन खे हमेशह लाइ सेटल करे सघे थी। कुरैशी साहब, एक मिनट रहता है, आपके ख़्याल में जस्टिस काज़ी फ़ैज़ साहब की सरवाही में सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग धो सकेगी, जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है? जी, अदल का गजर, मेरे दोस्त मसूद मुनव्वर ने एक नज़म लिखी थी उस वक्त। एक मिनट है सर, आप शेर सुनाएं या उस पर तबसरा करें। अकल से बड़ी भैंसें फैसला सुनाती हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो तवक्कोआत अवाम को ये हैं कि ये जो तारीखी नाइंसाफी पाकिस्तान के साथ हुई है, पाकिस्तान के अवाम के साथ हुई है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है ना सिर्फ एक सर्विसमैन को बुलाएगी, सियासी लोगों को भी जो है उसका जायजा ले। सर, ख्वाहिशात का इजहार किया जा सकता है, लेकिन आपके ख्याल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिस तरह एक हाइब्रिड सिस्टम है उसमें एक जज के लिए मुमकिन हो सकेगा कि 40 साल पुराने केस में उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और उस वक्त के आर्मी चीफ के बारे में और बाकी जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि सहूलतकारों के बारे में खुल के वो बहस मुबहसा करवा सकें और उसके उनके खिलाफ कोई फैसला दे सके? मैं एक बात कहूंगा कि किस हद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, तो उस शान के लिए मैं समझता हूँ कि काजी फैज़ ईसा के को भी जो है अपना नाम तारीख में एक जो है सुनहरे हरूफ में लिखवाना चाहिए। और जो है साईं आखिरी कुछ तांके समझ में अचे तो गिवन सिचुएशन में को वडो को फैसलो देण जी पोजीशन में आया संजू जी शरीफ? मुझे ख्याल में मतलब त काजी साहब जो जी लगे पियो त उन में उनके या शे हिकड़ी फॉर एवर मतिलबु त हिन खे सुवाल खे उकलाइणु चाहींदो ऐं इहो हुनखे हिकिड़ो सुठो मौक़ो आहे। ऐं सम्झां थो त इहो कोन्हे त हू को चयो न हीउ ज्यूरिसडिक्शन कोन्हे या छा, ऐं जेकॾहिं न बि कंदो त हुनखे हुन लाइ वॾी का जस्टिफिकेशन ॾियणी पवंदी। जी साईं, जी सर,
کہ ایٹمی پروگرام دینے والا 93,000 قیدیوں کو لانے والا اور ہزاروں مربع میل واپس لانے والا انہی جرنیلوں کے ہاتھ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, پاکستان کی عوام کے خواب چھینے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام ذمہ داری قاضی فائز عیسیٰ پہ ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے اس پاکستان کے لیے اور اس ریاست کے لیے اور 25 کروڑ عوام کے لیے. بڑی مہربانی شاہین قریش صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا اس پروگرام کے لیے. پنجو سہیل سنگھ صاحب تاہاں جی بڑی مہربانی. ناظرین گفتگو تاہاں بدھی ان سکت پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجو میزبان فیاض نائش کے اجازت دیندہ 12 تاریخ یقینی طور تے جڑے سماعت پنجو بدھنی شروع تھی تو پورے پاکستان جو اکھیوں کن جن دل دماغ جن وہ بالکل ان بدھنی کے حوالے سے کنیکٹڈ رہندا. چھکان تو پاکستان کی تاریخ میں ایک وڈو سانحو تھل ہے ذوالفقار علی بھٹو جو قتل. ان قتل کے حوالے سے ان میں جے اسانجی عدالتوں کا وٹھی ارباب اختیار جن وہ پاکستان جا وہ ملوث ہوا ان وقت جا. یقینی طور سے ہاں جی اصل بنی پینس ایکڑو وقت آیا ہے جن میں وہ داغ دھو پی سکجن جا بلال بھٹو زرداری صاحب کئی بھی گال کئی. اجازت وٹھو تھا وری گڈ تھی ناس.